ज्योति सागर के साथ आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल, जहां पूरी दुनिया इस समय लॉकडाउन के चलते अपने घरों में बैठी है, वहीं मुजफ्फरनगर में शरारती तत्व बाज नहीं आ रहे। मुजफ्फरनगर की खतौली पुलिस को सूचना मिली कि पुआड़ा गांव के जंगल में कुछ लोग बोकसी कर रहे हैं। पुलिस ने तुरंत एक्शन में इलाके की घेराबंदी करके छापेमारी कर दी। बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी गोली का जवाब गोली से दे डाला। आमने सामने की मुठभेड़ में दो साथी गो तस्कर पुलिस की गोली लगने से घायल हो गए और दो साथी फरार होने का प्रयास कर रहे थे, उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एक सूचना प्राप्त हुई कि इधर की तरफ से एक संदिग्ध गाड़ी जा रही है, उसमें देखा गया तो यहाँ पर अंदर खड़ी हुई थी गाड़ी। इधर सर्च किया गया तो दो व्यक्ति काउ स्लॉटरिंग का काम करने की कोशिश कर रहे थे, जिनका नाम अदनान और आमिर था। जब पता किया उनसे, उनको ऑन द स्पॉट अरेस्ट किया गया। उनके दो साथी भागने में कामयाब रहे, उनके पीछा किया गया, पुलिस पार्टी पर उन्होंने फायर किया। जवाबी कार्रवाई की गई तो उनको पैरों में गोली लगी। उनका नाम शाकिर है और उसके साथ साथ फरीद है। ये लोग खाला पार्क के लगभग रहने वाले हैं और इनके ऊपर पुराने भी मुकदमे हैं, जो लूट में, गैंगस्टर में और काउ स्लॉटरिंग में व अन्य चीज़ों में हैं। इनके बारे में और जानकारी अन्य डिस्ट्रिक्ट से की जा रही है और ये भी कोशिश की जा रही है कि कहीं इन पर कोई इनाम तो नहीं है। ये मुख्यतः यही काम करते थे कि इस समय लॉकडाउन का समय है और मीट की और मांस की ज़रूरत होती है, ये लोग यहाँ पर काट रहे थे, इसके बाद कहीं पर सप्लाई करते। हमने इस चीज़ को देखा है और इसको क्रैक डाउन किया। ये बहुत अच्छी, एक अच्छा काम किया है जो पुलिस टीम ने, खतौली पुलिस टीम ने काम किया है। सर कोई फरार भी है? इसमें कोई फरार नहीं है, चार लोग थे, चार लोगों का भी अरेस्ट किया गया है। पुलिस ने इन सात बदमाशों के पास से दो देसी तमंचे, दो चाकू, एक वैगनर कार, एक बछड़ा और बॉक्सी के उपकरण बरामद किए हैं। अभी के लिए इतना ही, आगे खबरों के लिए बनी रही है हापुड़ हलचल के साथ।